नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका इस वीडियो लेक्चर में पूछना चाहती हूँ स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं वित्तीय लेखांकन आज का वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह परचेस एक्स इंटरेस्ट परचेस एंड सेल, ये हम प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न की लिंक आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है पर दी गई है, उसको क्लिक करके आप प्रश्न देख सकेंगे, उसका उत्तर हम लोग यहाँ बनाएंगे। प्रश्न क्या कहता है समझ लेते हैं। 28 फरवरी 1995 को जयंत ट्रेडर्स ने 106% डिवेंचर परचेस किए, जो कि जिसकी कीमत 100 रुपए, फेस का भी 100 रुपए थी, हमने खरीदे कितने में था 104 रुपए प्रति डिवेंचर। एक्स इंटरेस्ट याद रखें, एक्स इंटरेस्ट का उसके ऊपर हमें खर्चा क्या लगा 33 रुपए, 35 रुपए स्टैंप ड्यूटी है और बैंक कमीशन है, ब्रोकरेज से संबंधित जानकारी क्या दी गई है, आधा प्रतिशत है इसका फेस वैल्यू का, इंटरेस्ट 31 मार्च और 30 सितंबर को देना है। हमको कहा गया है कि इसका परचेस और सेल्स एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालिए। तो लिख दीजिए पहली चीज परचेस प्राइस एक्स इंटरेस्ट, परचेस प्राइस एक्स इंटरेस्ट सबसे पहले निकालना पड़ेगा फेस वैल्यू, कितने रुपए में कितने डिबेंचर हमने खरीदे थे। तो क्या प्रश्न कहता है समझ लीजिए, हम लोगों ने 100 डिबेंचर 100 रुपए की फेस वैल्यू से खरीदे, 100 रुपए इंटू 100 इसका टोटल वैल्यू आ जाता है 10,000। कितने के थे, कितने हमारा परचेस प्राइस कुछ और था, तो लिख लेंगे परचेस प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज। हमने कितने में खरीदे हैं, हमने खरीदे हैं 104 रुपए में, कितने डिबेंचर 100 डिबेंचर खरीदे, तो लिख लीजिए 104 गुणीला 100, ये आ गया 10,400। इसके साथ में इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इससे संबंधित खर्चे तो क्या दिए गए हैं। पहली चीज दी गई है स्टैंप ड्यूटी प्लस परचेस एक्सपेंसेस, स्टैंप ड्यूटी 35 रुपए की, बैंक कमीशन या ब्रोकरेज जो भी नाम से दिया गया है वह आपको लेना है। बैंक कमीशन कितना बोला गया है, आधा प्रतिशत किसका फेस वैल्यू का, तो ले लीजिए 10,000 गुणा 0.5% जो कि है 50 रुपए जोड़ लीजिए 10,485 रुपए, 10,485 रुपए। ये क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट का प्रश्न है, तो ये हमारी क्या हो गई है कैपिटल कॉस्ट हो। ठीक है, अगर यह प्रश्न किसका रहता था कम इंटरेस्ट का, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता था, लेकिन यह प्रश्न किसका है एक्स इंटरेस्ट का, इसलिए वह निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, इंटरेस्ट टेबल, इंटरेस्ट टेबल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर हमारे पास है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि हमको ब्याज नहीं मिलेगा, इसलिए हमको इसके अलावा इंटरेस्ट कितना हमको देना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा। तो लिख लीजिए इंटरेस्ट पेबल इज इक्वल टू 6% ऑफ फीस 10,000, 10,000 की फीस का 6% का ब्याज है। फॉर हमने कब खरीदा, हम लोगों ने खरीदा है 28 फरवरी 1995 को, ठीक है, और इंटरेस्ट कब मिलेगा 30 सितंबर और 31 मार्च को, तो अक्टूबर मतलब कब से 30 यहाँ पे 5 मंथ्स, और 5 मंथ्स निकालना कब से 30 सितंबर 1994 से 28 फरवरी 1995, यह निकालना है तो 5 मंथ्स निकालना है, निकाल लीजिए 10,000 गुणा 6 कौन सा कुछ लिखते हैं
10,000 इंटीग्रल 6% आगे इनटू 5 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आया कैसे निकालो? पास में है, फिर पास में है, फिर पीछे पास में अंतर लेना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए। 10,000 का 1% हो गया 100 रुपए, 6 का हो गया 600 रुपए, 600 × 5 3,000 डिवाइडेड बाय 12, तो यह आ जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाय 12 तो 250 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए। ये क्या होगी हमारी इंटरेस्ट पेबल फॉर 5 मंथ, हमको 250 रुपए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही अगर हमको उन्होंने बोला था सेल्स एक्स इंटरेस्ट रहेगा, तो सेल्स एक्स इंटरेस्ट था नहीं, सेल्स में इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा, तो सेल्स नाम इंटरेस्ट रहेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितना आ गया 10,400 प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस पूरा एक साथ देते हैं 85, सॉरी माइनस कितना था, माइनस इंटरेस्ट 250, तो ये आ जाएगा 10,365 रुपये, 10,365 रुपये, सॉरी 10,065 रुपये, 365 रुपये, 10,065 रुपये। ठीक, ये क्या आ जाता है कि हमारी इफेक्टिव सेलिंग कॉस्ट आ जाता है। इस तरीके से हमको एक्स परचेस प्राइस और इंटरेस्ट का सेल्स के प्रश्न आएंगे, जिसमें हमको इस फॉर्मूले से उत्तर देना है। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर से हम हमारा